नमस्कार, सिटी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की, जहां बंद कमरे में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। आपको बता दें कि बेटा और बहू ताला लगाकर दो दिन से बाहर गए हुए थे। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि निषादपुरा थाना क्षेत्र के गोया कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घर में बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका शव डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और घर में किसी को पता ही नहीं है। आसपास के लोगों को जब दुर्गंध आई, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल निषादपुरा थाना क्षेत्र का गोया कॉलोनी का ये पूरा मामला, अब इसकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और जानने का प्रयास रहेगा कि कैसे महिला की मौत हुई। बुजुर्ग महिला जो घर में बंद थी, बेटा और बहू ताला लगाकर दो दिन से गायब है। अभी फिलहाल वे कहाँ हैं और कैसे बुजुर्ग महिला की मृत्यु हुई, ये एक सवाल बना हुआ है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आसपास के जो लोग रहने वाले थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी है और ये बताया कि इस घर से दुर्गंध आ रही है और ये जो पूरा घटनाक्रम है, चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला ये मामला, जिसकी जाँच फिलहाल पुलिस कर रही है। और देखने का ये भी विषय होगा कि आखिर बुजुर्ग महिला की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल बंद कमरे में बुजुर्ग महिला का शव मिला है और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, कहां का और क्या है आखिर ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है वो राजधानी भोपाल के निषादपुरा थाना क्षेत्र के जो गोया कॉलोनी है, वहां से सामने आया है। बुजुर्ग घर में रहते हैं तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस मामले में जो तस्वीर है वो उल्टी नजर आ रही है। बुजुर्ग महिला घर में अकेली पाई गई और ये भी बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला जो है वो उनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो उनका बेटा है और जो बहू है वो बुजुर्ग महिला को घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर चला गया और करीब दो दिनों से वो घर पे नहीं थे। और इसी दौरान संभवतः ये माना जा रहा है कि जो बुजुर्ग महिला है उनकी मौत हो गई। और जब घर में बहुत मूवमेंट नहीं दिखाई दिया क्योंकि बाहर से ताला भी लगा हुआ था तो लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन जब घर के अंदर से बदबू आना चालू हुई तो जो पड़ोसी थे उनको डाउट हुआ और फिर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी। क्योंकि जब महिला के बेटे से बात करने की कोशिश की गई तो वो बातचीत नहीं हो पाई। ये भी बताया जा रहा है कि जो बेटा था महिला का वो भी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं था, उसको भी कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, तो इस एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो महिला जो है वो उनकी मौत हो चुकी थी और उन महिला का जो बड़ा बेटा है वो इंदौर में पुलिस विभाग में ही कार्यरत है, ये भी जानकारी मिल रही है। और फिर उन्हें बुलाया गया और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो और भी जो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि किन परिस्थितियों में महिला की मौत हुई होगी और जो बुजुर्ग महिला का छोटा बेटा है जिसके साथ वो रहा करती थी और उसकी जो बहू है, अभी तक उन लोगों से किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पाया है, तो वो लोग कहां पर हैं, ये भी एक इस पूरे मामले में बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। पुलिस बहरहाल मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि तथ्यों के साथ जल्द ही इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो कर दिया जाएगा। जो महिला है उनके पति हेड कांस्टेबल थे, 2005 में वो रिटायर हुए थे और कोविड के दौरान 2020 में उनकी मौत हो गई थी। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और धमतरी में एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही, जहां हाइवा ने दो बच्चों को रौंद डाला। दोनों बच्चे मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सलोनी गांव के पास ये हादसा हुआ और हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि धमतरी में ये भीषण सड़क हादसा, जहां पर एक हाइवा ने दो बच्चों को रौंद दिया। ये दोनों बच्चे घर से निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए और हाइवा की चपेट में आ गए। सलोनी गांव के पास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि धमतरी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कब की है ये दुर्घटना और फिलहाल क्या है जानकारी अपने पास? देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये इलाका जो है महानदी के आसपास बसे गांवों का है और यहाँ से रोजाना बड़ी संख्या में रेत भरी हाइवा निकलती हैं, ओवरलोड रहती है और बेकाबू रफ्तार में चलती हैं। ऐसे एक हाइवा ने आज दो बच्चों को, जो कि सुबह की सैर पर थे, सड़क पर चल रहे थे, उन्हें रौंद दिया,
इसके बाद ग्रामीण जो है पहले ही नाराज चल रहे थे इस तरह के हाईवा तेज रफ्तार हाईवा से, ग्रामीणों में पहले से नाराजगी थी और आज ये हादसा हो गया। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर बैठ गया और चक्का जाम कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाइश दे रही है फिलहाल। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में पोते ने अपनी दादी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और दादी का खून ले जाकर मंदिर में चढ़ाया। दुर्ग जिले के ननकट्टी गांव में यह वारदात हुई। आरोपी पोते को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बताया ये भी जा रहा है कि दादी का खून चढ़ाते वक्त जो वो अपनी दादी की हत्या करके खून लेकर गया था मंदिर में चढ़ाने के लिए, उसे ये लगा कि ये कम खून है तो उसने अपना भी खून चढ़ाया। धारदार हथियार से दादी की हत्या करने वाले उस सन की पोते को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैहर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सरकारी जमीन पर बने मकान को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और दोनों पक्ष मकान के कब्जे को लेकर दावा कर रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आपको बता दें कि ये एक मकान पर कब्जे को लेकर पूरा विवाद दो पक्षों में देखने को मिला और दोनों ही पक्ष जमीन पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जमीन विवाद मारपीट में बदल गया और जमकर लात घूंसे चले। मैहर से तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि ये जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई जिसकी ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के 6 जिलों में धान ज्वार बाजरा खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। बता दें कि नर्मदापुरम रीवा सतना सिंगरौली दमोह बैतूल में किसान कल तक खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और किसानों की मांग पर इन जिलों में खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। प्रदेश में अब तक 7,66,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मोटे अनाज की खरीद 22 नवंबर तक होगी, धान की खरीद 2 दिसंबर तक की जा सकेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो बढ़ाकर अब कल तक कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों से जो उनकी मांग सामने आ रही थी उस पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया जबकि मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा से रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे तो वहीं बुधनी से रमाकांत भार्गव दम दिखाएंगे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और लिस्ट जारी होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी किन उम्मीदवारों पर भरोसा जता सकती है उनके बारे में जानकारी दी थी और लगभग हुआ भी वैसा ही और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार ब्रिजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है, जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको ब्रिजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सुनील सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और सुनील सोनी जी रायपुर के 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से सुनील
सुनील सोनी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यदि बात करें मध्य प्रदेश की उन दो सीटों की जिसमें विजयपुर और बुधनी की विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है। बुधनी की वो सीट जिससे कि शिवराज सिंह चौहान पारंपरिक रूप से चुनाव लड़ते आए थे विधानसभा का, और अब यहां भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत चुनाव लड़ेंगे, जबकि विजयपुर सीट की यदि बात करें तो रामनिवास रावत को यहां से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया है, और ये जो तीन सीटें, दो मध्य प्रदेश की और एक छत्तीसगढ़ की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में अहम हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये मध्य प्रदेश की जो दो सीटें हैं जिसमें कि रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और उन्हें कैबिनेट में जगह भी दी गई है, जबकि बुधनी सीट जो पारंपरिक रूप से बीजेपी जीतती आई है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़कर जीतते आए हैं, और रायपुर दक्षिण सीट बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए, दोनों से बातचीत करेंगे। दीपक, एक बड़ा निर्णय लिया गया है और अब बीजेपी की तरफ से अपनी जो दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने उस पर कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी गई है, और साख से जोड़कर ये देखी जा रही है दोनों ही सीट्स। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय भी है ये सीट विजयपुर विधानसभा में। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल करके उन्हें मंत्री बनाया गया था, उसके बाद ही ये तय हो गया था कि उनको इस सीट से टिकट दिया जाएगा, और बीजेपी ने बीती रात ये टिकट की घोषणा भी कर दी है। अब चुनावी संकनाद तो हो ही चुका है, आगामी 13 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होना है, और जिसकी सारी तैयारियां प्रशासन तो कर ही रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी जोर शोर के साथ जुट गई हैं। कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती और लगातार इस क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। बीजेपी भी अपनी कसावट लगातार कर रही है, चाहे प्रशासनिक फेरबदल हो चाहे दूसरी तैयारियां हो, बीजेपी भी लगातार इस तरह की तैयारियां यहां पर कर रही है। और अब आरोप प्रत्यारोपों के दौर भी शुरू हो गया है, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया है उस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में, और एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए कांग्रेस आदिवासी वोट जो प्रत्याशी है उसे मैदान में उतारने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, और चलेंगे प्रदीप के पास। प्रदीप, बुधनी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए यूं भी अहम है, शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां से चुनाव लड़े और जीते भी, ऐसे में बीजेपी का गढ़ इसे कहा जाता है, इसलिए रमाकांत भार्गव पर यहां भरोसा जताया क्या? बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र में एक हाईटेक सीट के ऊपर सीट जो बन गई थी, पूरे देश और प्रदेश के अंदर लाइमलाइट है बुधनी विधानसभा सीट, तो शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर ये जिम्मेदारी दी गई थी केंद्र समिति के द्वारा, आपको ही एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो इस सीट को आगे बढ़ा सके, और उसी को देखते हुए रमाकांत भार्गव पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है, और रमाकांत भार्गव जो है इस समय बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी में एक बात और देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी उत्सव रूप देती है, जिस तरह से कल चुनाव में रमाकांत भार्गव का नाम आया, जिस तरह से एक उत्सव वहां बनाया गया बुधनी सागर क्षेत्र के अंदर, लोग मिल रहे हैं, मंडल अध्यक्ष लोग आपस में मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर काफी गंभीर है, और उनकी यही मानना है कि इस बार प्रचंड मतों से वो चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाए। और रमाकांत भार्गव जब बीजेपी से उम्मीदवार होंगे तो प्रदीप कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वे यहां से किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारें। देखिए, कांग्रेस शुरू से बुधनी विधानसभा सीट को लेकर लगातार संशय में रही, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा को अपना गढ़ बनाया, जिस तरह से कांग्रेस ने नए नए प्रयोग किए, अरुण यादव को भी यहां से लड़ाया, यादव बाद भी चलाया, राजकुमार पटेल यहां से लड़े जो किरारों के बड़े नेता कहलाते हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे पासे हमेशा फेल हुए। भारतीय जनता पार्टी का कुशल चुनाव प्रबंधन, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का लगातार उत्साह, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदीप आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी इस विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे खबर मुरैना से, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के 21 घंटे बाद मलबे से मां बेटी के शव बरामद कर लिए गए हैं, और ब्लास्ट के बाद मलबे में मां बेटी की दबने की वजह से मौत हो गई थी, और करीब 21 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम दोनों शवों को निकाल पाई।
वहीं घटना से नाराज लोगों ने रात 1 बजे कलेक्टर के बंगले का घेराव किया। एसपी ने सिलेंडर फटने की वजह से हादसा होने की बात कही थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। मुरैना में हुआ ये ब्लास्ट, अभी तक पटाखा के ब्लास्ट का इस पर संशय जताया जा रहा है कि पटाखे की वजह से ये धमाका हुआ और पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, ऐसा संशय जताया जा रहा है। जबकि पूरे मामले में पुलिस अधिकारी की तरफ से ये कहा गया था कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये हादसा हुआ हो सकता है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले में तथ्यों की पड़ताल में जुटी हुई है। लोगों के आक्रोश का भी सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है और ऐसे में अभी काफी काम बाकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ब्लास्ट हुआ था कल लगभग 12 बजे के आसपास और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और आज शवों की बरामदगी हुई है। लेकिन रात 1 बजे जब कलेक्टर के घर के बाहर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इस घटना को लेकर विरोध जताने लगे, उस वक्त भी पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को वहां से हटाने के लिए। रात भर से इसमें लगातार 2 JCB काम कर रही थी, नगर निगम, SDRF और पुलिस की टीम काम कर रही थी। अभी सुबह 2 शव बरामद हुए हैं जो प्रथम दृष्टया माँ बेटी के लग रहे हैं, 2 महिला सब मिले हैं, रवाना किया गया है। और नेपाल से लगते सीमावर्ती इलाकों में चाइनीज लहसुन तस्करी करके लाया जा रहा है। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन नष्ट किया। लहसुन के ढेर को बुलडोजर से कुचला जा रहा है क्योंकि ये चाइनीज लहसुन है और अगर ये लोगों के घरों तक पहुंच गया तो ये बीमार भी कर सकता है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम की टीम ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए करीब 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त किया और बाद में बुलडोजर से कुचल कर जमीन खोद कर नष्ट कर दिया। कस्टम विभाग के एक्शन से चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निचलौल नगर पंचायत के दामोदरी पोखरी इलाके में ये कार्रवाई की गई, जिससे एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अब लहसुन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तस्कर दोबारा गड्ढा खोद कर नहीं चुरा पाएंगे। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफ़ी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्युनिसिपल ग्राउंड पर। पिछले दिनों भी कस्टम विभाग ने महाराजगंज में नेपाल से तस्करी लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन को बरामद किया था। इसके अलावा 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3,800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को भी जब्त किया गया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। नौतवा इलाके में ये कार्रवाई हुई थी। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मेथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर इसे बाजार में ले आते हैं। चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है।
भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है। पिछले काफी समय से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन की बड़े पैमाने पर तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं। महाराजगंज से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको। ये मोदी